पार्लियामेंट रिपोर्टर हिंदी डिक्टेशन गति 180 शब्द प्रति मिनट बी रेडी 3 2 1 स्टार्ट। महोदय, फसल बीमा का सुझाव आज से कई वर्ष पहले रखा गया था और उस पर विचार करने के बाद एक योजना भी बनाई गई थी। दुख की बात है कि इस लंबी अवधि में फसलें अनेक बार नष्ट हो चुकी हैं, परंतु इस योजना को अमल में अभी तक नहीं लाया जा सका है। वित्त मंत्रालय यह स्वीकार कर चुका है कि वह इसके लिए आवश्यक रुपया देगा। हो सकता है कि राज्य सरकारें इस संबंध में एक मत न रही हों। उनका यह विचार रहा हो कि इससे किसानों पर बोझा पड़ेगा और उनकी लोकप्रियता पर असर पड़े। अब भी राज्यों के इस विचार में कोई विशेष परिवर्तन तो नहीं हुआ है, परंतु इतना अवश्य है कि जो योजना रुपयों के पास भेजी गई थी उस पर उनकी प्रतिक्रिया यह है कि फसल बीमा के लिए वे तैयार हैं। वे चाहते हैं कि उसका सारा खर्च केंद्र वहन करे। दूसरी ओर खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री ने गत वर्ष यह प्रकट किया था कि सरकार एक बिल पेश करने वाली है। अब लोकसभा में यह घोषणा की गई है कि उसके विषय में शीघ्र निर्णय करेगी। कहना न होगा कि योजना जितनी जल्दी अमल में लाई जाए अच्छा है। उस पर खर्चे का जो प्रश्न है वह ऐसा नहीं है कि सुलझाया न जा सके। यदि इस दिशा में प्रयत्न किया जाए तो कोई न कोई रास्ता निकल सकता है। पैरा, इसमें संदेह नहीं है कि किसान जब लगान तक नहीं दे सकता तो वह फसल बीमा की किश्त कहाँ से देगा, परंतु फसल बीमा के महत्व से इनकार नहीं किया जा सकता है। आज स्थिति यह है कि जब बाढ़, ओलों या कीचड़, कीड़ों आदि से फसल को नुकसान हो जाता है तो किसान के पास पेट भरने तक को कुछ नहीं रहता है। यदि फसल का बीमा हो तो यह दिक्कत न हो और वह खेती में ज़्यादा से ज़्यादा धन लगा सके। इसलिए बीमा तो होना चाहिए। कृषि भी अब एक उद्योग की तरह है। यदि उद्योग में हानि के खतरे से बचने के लिए बीमा हो सकता है तो खेती में क्यों नहीं हो सकता। इससे किसान का उत्साह बढ़ेगा और वह उत्पादन बढ़ा सकेगा। परंतु सवाल यह है कि बीमा की किश्त कौन दे। यह ठीक है कि बीमा केंद्र का विषय है, इसलिए राज्य सरकारों पर उसका भार नहीं पड़ना चाहिए, परंतु इसके साथ यह भी तो गलत नहीं है कि कृषि राज्यों का विषय है, इसलिए उसके लाभ हानि की जिम्मेदारी से वे अपने को अलग नहीं रख सकते। उसका कुछ न कुछ खर्चा तो उन्हें बर्दाश्त करना ही चाहिए। फिर केंद्र यह भी नहीं कह रहा है कि वह उसका कोई खर्चा उठाने को तैयार नहीं है। आशा है कि केंद्र तथा राज्य सरकारें मिलकर इस राष्ट्रीय महत्व के विषय पर गंभीरता से विचार करेंगी और देश को दूसरे के ऊपर निर्भरता खत्म करने में किसानों की मदद करेगी। पैरा सभापति महोदय, कृषि मंत्रालय की मांगों का समर्थन करते हुए मैं सरकार से सबसे पहली बात यह कहना चाहता हूं कि आप गेहूं का दाम शीघ्र निर्धारित करें। आज स्थिति यह है कि जब कोई अपने गल्ले को लेकर बाजार में जाता है तो व्यापारी लोग गल्ले का भाव गिरा देते हैं और उससे कम दामों पर गल्ला खरीद कर अपने गोदामों में भर लेते हैं। बाद में जब गल्ला बाजार में आना बंद हो जाता है तो व्यापारी उसी पल्ले के दुगने या तिगुने दाम पर बेचते हैं। इस तरह से किसानों का खून चूसा जाता है, उनके घरों में गल्ले का उचित दाम नहीं पहुंच पाता है। इसलिए हमारे कृषि मंत्री जी को गंभीरता से इस समस्या पर विचार करना चाहिए और हर साल फरवरी महीने से पहले ही गल्ले का दाम निर्धारित कर देना चाहिए, ताकि किसान का गल्ले कम दाम में न बिकने पाए। देश में आज अन्न की समस्या बहुत विकट रूप धारण कर चुकी है। राजस्थान में सूखा पड़ा हुआ है। मैं अभी राजस्थान के एक क्षेत्र का दौरा करके आया हूं। वहां जानवर भूखे मर रहे हैं। किसान अपने घरों को छोड़कर दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि सरकार को शीघ्र राहत कार्य के व्यवस्था करनी चाहिए। जानवरों के लिए चारा पहुंचाया जाए और किसानों को काम देना चाहिए ताकि वे वहीं रहकर अपने परिवार का पालन कर सकें। आपने यदि शहरों का ही ध्यान रखा और देहातों की समस्या को हल नहीं किया तो भविष्य में बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। जब मैं अपने क्षेत्र का दौरा करने जाता हूं तो जनता मुझसे शिकायत करती है, जब वोट मांगने का समय आता है तब आप हमसे अनेक वायदे करते हैं, लगान माफ होगा, गल्ला सस्ता होगा, जानवरों के लिए
चारागाहों का प्रबंध होगा, नहरें खोदी जाएंगी, लेकिन चुनाव के बाद कुछ नहीं होता। जनता में इन सब बातों को लेकर बड़ा असंतोष है। हमारे मंत्री महोदय जब कभी उन क्षेत्रों का दौरा करने जाते हैं तो सरकारी निवास में ठहरते हैं, जिसकी वजह से उनको असली हालत का पता नहीं चलता। इसलिए मैं उनको सुझाव देना चाहता हूँ कि आप सरकारी निवास में ठहरने के बजाय गांवों में जाकर ठहरें, ताकि आपको समस्या की सही जानकारी प्राप्त हो सके। हमारे किसान इस समय बहुत परेशान हैं, उनकी तरफ लगान का काफ़ी रुपया बाकी है। तहसीलदार उनको बहुत परेशान कर रहे हैं, उनकी ज़मीनों को नीलाम किया जा रहा है, उनके जानवरों को नीलाम किया जा रहा है। भ्रष्टाचार बहुत जोरों से फैला हुआ है। जब तक 150 रुपए पटवारी को नहीं दिया जाता है, तब तक उसको हर तरह से परेशान करते रहते हैं। जिस समय सरकार की तरफ से तकावी बांटी जाती है, बड़े बड़े किसान अधिकारियों से मिल जाते हैं और वह सारा पैसा उनको मिल जाता है, जबकि छोटा किसान अपनी भूमि में अच्छी फसल पैदा करता है। अध्यक्ष महोदय, आज हम लोग खेती की समस्या के ऊपर जो मांग है उस पर चर्चा कर रहे हैं। हमारा यह देश कृषि प्रधान देश है, यहाँ के लोग खेती करते हैं। स्वतंत्रता से पहले हम लाखों रुपए का अनाज देश से बाहर भेजते थे, लेकिन दूसरी लड़ाई के बाद हमारा देश अन्न के मामले में दूसरों पर निर्भर हो गया। देश में अनाज की बहुत कमी हो गई है। मुझे याद है जब पहली लड़ाई हुई थी, उस वक्त अनाज काफ़ी सस्ता था। तब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। दूसरी लड़ाई के बाद हमारे देश में अनाज बहुत महंगा हो गया। उस समय सरकार ने खेती की ओर पूरा ध्यान नहीं दिया। पहले हमारे देश के बाजारों में लाखों मन गल्ला पड़ा रहता था, खलिहानों में भी काफ़ी गल्ला पड़ा रहता था। इस तरह से करोड़ों मन गल्ला हमारे देश में जमा रहता था और देश के लोग बड़े आराम से रहते थे। उस समय गेहूं बहुत सस्ता था, लेकिन आज आप देखें कि गेहूं बहुत महंगा हो गया है। हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि हमारे देश में यह हालात क्यों पैदा हुए हैं। हमने पंचवर्षीय योजनाओं को शुरू किया, 4 योजनाएं हम पूरी कर चुके हैं, लेकिन खेती पर हमको जितना ध्यान देना चाहिए था उतना ध्यान हमने नहीं दिया। उद्योग धंधों पर ज़्यादा ध्यान दिया और इसी का परिणाम है कि आज हमारे देश में उद्योगों की काफ़ी उन्नति हुई, लेकिन खेती में हमारे देश ने कोई उन्नति नहीं की। हमारी खेती की पैदावार कम होती गई। इसका फल यह हुआ कि हमें जितने अनाज की ज़रूरत थी वह भी हमारे पास नहीं रहा और हमको बाहर से करोड़ों रुपए का अनाज मांगना पड़ा। इसकी वजह से हमने आज करोड़ों रुपए का कर्ज अमेरिका से लिया है। यह हमारे देश के लिए बड़े शर्म की बात है। हमको दूसरों से मांगना पड़े, यह हमारे लिए दुख की बात होनी चाहिए। हम दूसरों से खाने के लिए अन्न मांगे, इससे बढ़कर हमारे लिए दुख की बात और क्या हो सकती है। बड़ी खुशी की बात है कि पिछले 2 वर्ष से जब से हमारे मंत्री महोदय इस विभाग में आए हैं, हमने कृषि के क्षेत्र में काफ़ी उन्नति की है। हमारी खेती की पैदावार बढ़ी है। 2 साल पहले वर्षा नहीं हुई थी और तब खेती की हालत बहुत खराब हो गई थी। अब इस तरफ ध्यान दिया गया तथा वर्षा भी अच्छी हो गई। इसका परिणाम यह हुआ कि हमारे देश में काफ़ी अनाज पैदा हुआ। अब कुछ आशा बंदी और मंत्री महोदय इस ओर ध्यान दे रहे हैं। मेरा ख्याल है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी की व्यवस्था हो, खाद की व्यवस्था हो, बीज की व्यवस्था हो तथा लोगों का कर्ज मिले, ताकि किसान अच्छी फसल पैदा कर सके। मैं समझता हूँ कि ऐसा करने से ही देश की उन्नति होगी, देश संपन्न होगा और किसान सुखी रह सकेगा। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश के अधिकांश लोग खेती पर निर्भर करते हैं और इसीलिए खेती पर आधारित उद्योगों की इस देश में अधिक आवश्यकता है। देश से बेरोजगारी को खत्म करने के लिए, कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए कृषि पर आधारित उद्योगों की स्थापना का इस देश में बड़ा भारी महत्व है और उसे इस बजट में अधिक से अधिक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि खेती के उद्योग आदि के लिए हमारे बजट से अधिक गुंजाइश की ज़रूरत होनी चाहिए। इससे हमारे देश के बेरोजगारों और किसानों को काफ़ी लाभ होगा और हमारे कृषि उत्पादन में उन्नति होगी तथा इसके साथ ही साथ हमारे किसान भाइयों को भी रोजगार मिलेगा।
वित्त मंत्री जी ने काफी अच्छा बजट पेश किया है, लेकिन खेती के उद्योगों के लिए इसमें विशेष व्यवस्था करने और इसमें अधिक धन लगाने की अधिक आवश्यकता है। इस योजना में हमारी प्रधानमंत्री द्वारा जो 20 सूत्री कार्यक्रम इस देश में चालू किया गया है, उससे हमारे गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों का काफी हित हो सकता है। मैं निवेदन करता हूं कि कमजोर वर्ग के लोगों के लिए पशुओं को खरीदने तथा आवास और दूसरी आवश्यकताओं के लिए धन की व्यवस्था की जाए। आज यह कार्यक्रम हमारे देश में बड़े जोर से और बड़ी जिम्मेदारी से लागू किया जा रहा है। इसमें संदेह नहीं है कि इससे हमारे देश के गरीब लोगों को काफ़ी लाभ पहुँचेगा। हमारे देश में मध्य प्रदेश काफ़ी पिछड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश में खनिज और वन देश में सबसे ज़्यादा हैं। हमारे मध्य प्रदेश में 20% खनिज उत्पादन है और 30% वन है। मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में इस तरह के उद्योगों और कार्यों के लिए अधिक से अधिक धन की व्यवस्था की जाए। एक दृष्टि से मध्य प्रदेश सबसे आगे है, लेकिन फिर भी यह अन्य राज्यों से पिछड़ा हुआ है। यहाँ से 1000 टन कोयला प्रतिदिन देश भर में जाता है। मैं निवेदन करूँगा कि कोयले की खानों के पास ताप बिजली घर बनाए जाएं, ताकि हमारे प्रदेश की आवश्यकता को भी पूरा किया जा सके और देश को सस्ते दामों पर बिजली मिल सके। महोदय, सिंचाई के लिए भी हमारे प्रदेश को अधिक धन दिया जाना चाहिए। इस तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि सिंचाई का खर्च पिछले एक साल में दुगुना हो गया है। इसका कारण चाहे योजना बनाने में कमी हो या चाहे प्रशासनिक व्यवस्था में कमी हो, इसके कारणों का पता लगाकर आवश्यक उपाय किए जाने चाहिए। स्टॉप। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की लोकसभा की हिंदी डिक्टेशन, गति 180 शब्द प्रति मिनट, जो कि ओपी शुक्ला बुक से ली गई थी डिक्टेशन। तो आशा करते हैं आप सभी को ये डिक्टेशन पसंद आएगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और ऐसी ही ओपी शुक्ला की अनेक डिक्टेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।